हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हियर इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। टाइम टाइम समय, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 11, फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 12 आवर्स क्लॉक टाइम। आपको पता है टू टाइम्स होते हैं, एक होता है 12 आवर्स क्लॉक टाइम और एक होता है 24 आवर्स क्लॉक, जिसको हम रेलवे टाइम भी कहते हैं। रेलवे, उसमें क्या होता है, 12 के बाद में 13, जैसे वैसे नॉर्मली 12 के बाद में वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो 24 आवर्स क्लॉक होती है उसमें क्या होता है, 12 के बाद में 13 14 15 16 इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट द 12 आवर्स क्लॉक टाइम, ये आपको 24 आवर्स क्लॉक टाइम दे रखा है और आपको इसे 12 आवर्स क्लॉक का टाइम में बदलना है। तो 12 आवर्स क्लॉक टाइम में 00:00 आवर, यानी कि रात को जो 12 बजते हैं, मिड नाइट होती है उसे कहते हैं 12 आवर्स, यानी कि दिन में जो 12 बजते हैं उन्हें कहते हैं। थर्ड और फोर्थ जो है 12:17 और 13:40, यानी कि 12 के बाद में 13, यानी कि 1:00 1:40, ठीक है। ये दोनों आपको अपने आप करने हैं, कन्वर्ट इन 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्लॉक टाइम के लिए आप क्या करोगे, 12:35 AM, यानी कि जो रात को 12 बजने के बाद, तो 00:35, 2:22 PM, यानी कि दिन में 2 बजे, तो 14:22 आवर्स। इसी तरीके से ये दोनों भी हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द टाइम यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए देखो 10 3/5 आवर्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 3/5, यानी कि 5 10 50 और 1 3 53, तो 53/5 आवर्स हो गए। अब आपको 53/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 53/5 × 60 निकाल लेंगे आप, तो वो आपके आ जाएंगे मिनट्स। तो 5 की टेबल से 60 को काटा 12 टाइम्स, 12 को 53 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 636 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 1/4 आवर इज़ इक्वल्स टू सेकेंड। सेकेंड्स में आपको कन्वर्ट करना है, अगेन मिक्स फ्रैक्शन, उसको सिंपल में कन्वर्ट किया, 4 2 8 और 1 9/4, ठीक है। 1 आवर में हमको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 9/4 × 3600 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2 1/4 आवर्स के सेकेंड। इनका थर्ड और फोर्थ आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट इज एडिशन। टाइम वाला जो एडिशन होता है, नॉर्मली एडिशन की जैसे एडिशन है, सिर्फ आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे 2 hours 42 minutes and 4 hours 10 minutes, यानी कि आवर्स और मिनट्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं, आवर्स और मिनट्स अलग अलग दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आवर्स और मिनट्स को अलग अलग उतारेंगे। इधर आवर्स का कॉलम बना लिया, इधर मिनट्स का कॉलम बना लिया, डिजिट के नीचे डिजिट लगाई और इस तरह से इनको ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। 9 hours 32 minutes from 12 hours 18 minutes अब है हमारा माइनस। अब हमको पता है बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर आती है, आवर्स और मिनट का अलग अलग कॉलम बनाया, 12 hours and 18 minutes, ठीक है, माइनस 9 hours and 32 minutes। अब आप देखो 18 मिनट में से आपका 32 मिनट नहीं जाता है। नॉर्मली हम माइनस में जब छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट नहीं जाती है तो पीछे से बोरो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आवर्स से जब आप मिनट में बोरो करोगे तो कैरी 1 नहीं आएगा, कैरी 60 की आएगी, ठीक है। कितने की आएगी कैरी, 60 की। तो यहाँ पे तो हमने सिंपली क्रॉस करके 12 आवर्स को 11 आवर कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब हम कैरी जोड़ेंगे तो हम इसको 18 में 1 नहीं प्लस करेंगे, 18 में 60 प्लस करेंगे, क्योंकि आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 60 मिनट के बराबर में 1 आवर होता है। तो 60 की कैरी हमने यहाँ पे ऐड करी तो ये हो गया 78। अब 78 में से 32 माइनस करके लिख दिया, यहाँ पे बचा था 11, 11 में से 9 माइनस करके लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये होंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो आपकी कैरी है ये 60 की आएगी, ठीक है। जब इधर से आप बोरो करोगे तो इधर 60 की बोरोइंग आप लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें मिनट्स और सेकंड्स दिए हुए हैं, 29 minutes 39 seconds में से 25 minutes 49 seconds आपको माइनस करने हैं। आपको पता है 39 में से 49 नहीं जाता है, इधर से आपने 1 कैरी लिया, इसको कट करके 28 बना दिया। अब इधर जब वो बोरोइंग जाएगी तो वो 60 की जाएगी, तो 60 को 39 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 में से 49 को माइनस करा, और इस तरीके से आप इसके आंसर निकालोगे। थर्ड और फोर्थ आपको इसका अपने आप करना है। नाउ द वर्ड प्रॉब्लम, लोकेश हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 hours 30 minutes इन अ स्कूल एंड 3 hours 45 minutes एट होम। हाउ मच टाइम ही इज स्टडिंग पर डे,
यानी कि स्कूल में वो 5 hours और 30 minutes पढ़ के आया, उसके बाद घर पे उसने 3 hours और 45 minutes पढ़ा, टोटल कितना स्टडी किया, 8 hours और 75 minutes। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है 75 minutes मतलब 60 मिनट का जो एक आवर है वो जो 1 hour है वो हम इधर ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 75 मिनट्स आपको पता है कि इसमें से 60 आवर्स का आप 1 घंटा बना सकते हो, तो उसको इधर शिफ्ट करा तो ये हो गया 9 hours 15 minutes। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रवीण स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड 7:15 एंड कंटिन्यू टू 10:05। हाउ लॉन्ग डिड ही स्पेंड इन प्रैक्टिसिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम? उसने 7:15 से स्टार्ट किया और 10 o'clock बजकर 5 मिनट तक वो उसको सॉल्व करता रहा, उसने कितना टाइम स्पेंड किया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7:15 से 8 o'clock तक, यानी कि ये कितने हुए 45 मिनट्स, फिर 8 o'clock से 10 o'clock तक कितना हुआ 2 hours, और 10 o'clock से 10:05 तक 5 मिनट्स और, यानी कि 2 hours और 45 और 5 मिनट्स। अब इन मिनट्स को हम अलग कर लेंगे, यानी कि 50 मिनट्स और आवर्स हो गए आपके 2 hours, तो आंसर हो जाएगा 2 hours and 50 minutes। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 3 minutes 20 seconds by 2। कुछ नहीं करना है, मिनट और सेकंड को इसी तरीके से उतारना है और उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, इसके आगे वाले आप अपने आप करोगे। द डिस्टेंस बिटवीन धौलपुर एंड भरतपुर इज 90 kilometers, विजय टेक्स 2 hours 12 minutes टू कम्प्लीट दिस डिस्टेंस बाय कार एंड रवि टेक्स 3 hours 8 minutes बाय मोटरसाइकिल, फाइंड आउट एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय रवि एज कम्पेयर टू विजय। विजय जो था उसने कितना टाइम लिया 2 hours and 12 minutes, रवि ने कितना टाइम लिया 3 hours and 8 minutes। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालते हैं यानी कि माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए बड़ी डिजिट ऊपर छोटी डिजिट नीचे, अगेन 8 में से 12 जाता नहीं है, यहाँ से हमने बोरो लिया 60 का बोरो आया 68 में से 12 गया 56, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा आपका 56 मिनट्स। बीच में एक क्वेश्चन हमारा डिवाइड देखो इस तरह से होता है, क्वेश्चन है 25 hours 13 minutes 12 seconds by 6, 6 का डिवाइड करना है 25 hours 13 minutes 12 seconds। ठीक है, इस तरह से हमने उतार लिया, 6 का डिवाइड करेंगे, 6 4 24 आया, 1 बच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर बचा है, अब हमारे पास आगे कुछ और लेने के लिए है नहीं, इसलिए हम इस 1 hour को इधर दे देंगे। अब ये जब आवर को हमने मिनट में दिया तो ये कितना हो गया 60 मिनट हो गया, तो यहाँ पे जाके ये 60 हो जाएगा, 13 में 60 प्लस किया ये हो गया हमारा 73, वापस 6 का डिवाइड देंगे, 6 1 6 बच गया 1, ऊपर से उतारा 3, 6 2 12 बच गया 1। अब वापस ऊपर से उतारने के लिए कुछ है नहीं, इस 1 मिनट को हम इधर सेकंड्स में प्लस कर देंगे, सेकंड्स में प्लस करने के लिए यहाँ पे 60 में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट जाके। ठीक है, 12 और 60 ये कितना हो गया 72, वापस 6 1 6 6 2 12 और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, 8 का डिवाइड देना है 34 hours 9 minutes and 4 seconds में। ठीक है, उतार लिया हमने, उसके बाद 8 4 32 बच गया 2, ये बचा है हमारे पास आवर, आवर को हम इधर मिनट में देंगे, 2 में 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करा तो कितना हो गया 120 इधर दे दिया प्लस 9 यानी कि 129, वापस 8 से डिवाइड करो, 8 1 8 बचा 4, 8 6 48 बच गया वापस 1, इस 1 को वापस इधर सेकंड्स में देना है, 1 मिनट को 1 सेकंड्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड, यहाँ पे आ गया आपका 60 और 4 को ऐड किया 64, 8 को 64 से डिवाइड करेंगे 8 times 8 8 जा 64, तो 4 hours 16 minutes 8 seconds हो गया आपका आंसर। इसका सी और डी आपको अपने आप से नोटबुक में करना है।